मुझे प्यार हुआ था। सुरभि चंदना और सुरभि ज्योति ने आखिरकार सन 2024 में शादी कर ली है। उन्होंने अपनी शादी की सारी रस्मात भी अदा की और उनकी तस्वीरें भी अपने फैंस के साथ शेयर की। चलिए अब बात करते हैं कि सुरभि ज्योति और सुरभि चंदना की वेडिंग पर सबसे ज्यादा प्यारी कौन सी एक्ट्रेस लग रही थी और किस एक्ट्रेस ने सबसे ज्यादा भारी सूट पहना हुआ है। सुरभि ज्योति और सुरभि चंदना दोनों ने एकता कपूर के सुपर नेचुरल सीरियल नागिन में एज अ लीड एक्ट्रेस के तौर पर काम किया था। यही वजह है कि ये अपनी एक अलग ही फैन फॉलोइंग रखती हैं और लोग इनकी लुक को काफ़ी पसंद भी करते हैं। हाल ही में सुरभि ज्योति ने अपने बॉयफ्रेंड सुमित सोरी के साथ 27 अक्टूबर सन 2024 को संडे वाले दिन वेडिंग की है। इनकी शादी की तस्वीरें सोशल मीडिया पर काफ़ी वायरल हो रही हैं। इन्होंने ना सिर्फ मेहंदी का फंक्शन सेलिब्रेट किया, मेहंदी पर इन्होंने एक जैसी ड्रेसिंग की, उसके अलावा इन्होंने हल्दी पर भी एक जैसी ही ड्रेसिंग की और अपनी फैमिली के साथ हल्दी भी सेलिब्रेट की और अपने फैंस के साथ तस्वीरें भी शेयर की। और शादी पर आप देख ही सकती हैं कि सुरभि ज्योति ने बहुत ही खूबसूरत सा रेड कलर का ड्रेस पहना हुआ है, जबकि इनके हस्बैंड ने सफ़ेद कलर की शेरवानी पहनी हुई है जो कि बहुत ही ज़्यादा प्यारी लग रही है। और आप देख ही रहे हैं कि सुरभि ज्योति इस ड्रेस में बहुत ही ज़्यादा प्यारी लग रही हैं। अब बात करते हैं सुरभि चंदना के बारे में, तो सुरभि चंदना भी इंडिया की नहायत बेहतरीन एक्ट्रेस हैं। इन्होंने 13 साल करण शर्मा के साथ अफेयर किया और अब आखिरकार सन 2024 में 2 मार्च को इन्होंने करण शर्मा के साथ शादी भी कर ली। इन्होंने अपनी शादी की तस्वीरें भी अपने फैंस के साथ शेयर की। ना सिर्फ इन्होंने शादी का फंक्शन बहुत ज़्यादा ग्रैंड किया, बल्कि इन्होंने शादी के फंक्शन पर अपने हस्बैंड के लिए गाना भी डेडिकेट किया, जैसे कि आप सुन ही सकते हैं। उसके अलावा बात करते हैं इनकी मेहंदी और हल्दी के बारे में, तो इन्होंने मेहंदी और हल्दी पर भी बहुत ही खूबसूरत सी रवायती ड्रेस पहने हुए हैं, जैसे कि आप देख ही रहे हैं कि ये दोनों एक साथ बहुत ही ज़्यादा प्यारे लग रहे हैं। वैसे आपको सुरभि ज्योति और सुरभि चंदना दोनों में से किसका कपल सबसे ज़्यादा अच्छा लगा, अपनी राय हमारे ज़रूर शेयर कीजिएगा अभी नीचे कॉमेंट सेक्शन में। थैंक्स।